हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन शिवेन टेक ब्लॉग। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम की स्टोरी को विद म्यूजिक अपने मोबाइल मोबाइल के गैलरी में कैसे सेव करते हो। बहुत सारी क्वेरीज आई मेरे पास कि भैया मेरे मोबाइल में जो मैं स्टोरी लगाती हूँ या लगाता हूँ जो भी इंस्टाग्राम पे, उस पे ना म्यूजिक नहीं आता जब मैं सेव करती हूँ या करता हूँ अपने मोबाइल में। तो मैंने सोचा चलो मैं इसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे सेव करते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप अपने म्यूजिक के साथ स्टोरी सेव कर सकते हो आप अपने गैलरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं बता दूं, आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं इससे पहले की वीडियो में बताता कि कैसे क्रिएट करते हैं इंस्टाग्राम आईडी और कैसे बनाते हैं एक न्यू फ्रेश इंस्टाग्राम की आईडी। तो सबसे पहले गाइस जो मेरे पास जो मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम की आईडी इंस्टाग्राम इंस्टॉल है एप्लीकेशन पे, और इंस्टाग्राम पे मैं आपको एक स्टोरी लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, चलो मैं लगाता हूँ स्टोरी यहाँ से। ठीक है, ऐड स्टोरी, यहाँ पे खाटू श्याम बाबा की एक फोटो है, इसमें मैं एक स्टोरी लगा के दिखाता हूँ। इसके साथ मैं गाना भी लगाता हूँ, ये वाला गाना लगा देता हूँ। ठीक है, देखिए डन कर दो। इसमें जैसे ही डन डन करोगे यहाँ से ओके करो और यहाँ पे स्टोरी करते हैं। ठीक है, डन करते हैं। अब ये स्टोरी आपकी प्रोफाइल में लग चुकी है और इसके बाद आपने क्या करना है, इस स्टोरी को डाउनलोड करना है। अब मैं बता देता हूँ कि इस स्टोरी को कैसे डाउनलोड करोगे। मैं बता देता हूँ क्योंकि जो मेरी जो फ़ोन है वो अप टू डेट नहीं है। ठीक है, अब मैं स्टोरी देख लेता हूँ। ठीक है, ये स्टोरी आ गई है। अब ये जो नीचे देख रहे हो तीन डॉट पे क्लिक कर लेना आपने। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें से एक ऑप्शन है सेव टू वीडियो, सेव वीडियो। ठीक है, सेव वीडियो पे आपने क्या करना है। अब इसमें आप देखो, इसमें मेन क्लियर चीज बता रहा है ये कि सेव विदाउट म्यूजिक। ये कह रहा है कि आपकी वीडियो सेव हो जाएगी लेकिन म्यूजिक नहीं रहेगी। ठीक है, तो जब भी हम सेव कर लेते हैं, ठीक है, और ये सेव हो जाएगी आपके फोन के गैलरी में। ठीक है, अब मेरे फ़ोन कंफर्टेबल नहीं है कि ये शो हो जाए इसमें। हाँ देखो, मैं दिखा देता हूँ क्या पता हो जाए। हाँ ये हो चुकी है, बट इसमें कोई भी गाना नहीं आ रहा है, गाना प्ले नहीं आ रहा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हटाते हैं, इंस्टाग्राम पे चलते हैं। ठीक है, बैक करते हैं। ठीक है, बैक करने के बाद अब क्या करना है, अपने को जाना है गूगल क्रोम में। ठीक है, गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाओगे, न्यू टैब ओपन करोगे। न्यू टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लिखोगे स्टोरी सेवर इंस्टाग्राम। ठीक है, अब जो वेबसाइट आ रही है storysaver.net, आपने इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, storysaver.net की ये वेबसाइट है, यहाँ से आप इंस्टाग्राम की स्टोरी सेव कर सकते हो। अब ये कह रहा है कि भाई एंटर द इंस्टाग्राम अकाउंट यूजर नेम, जो आपके जो इंस्टाग्राम के अकाउंट यूजर नेम है, जिस नाम से आपका इंस्टाग्राम है, वो नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अब चलो मैं अपने इंस्टाग्राम की आईडी ओपन कर डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ठीक है, डाउनलोड पे, ठीक है ना, ये डाउनलोड पे क्लिक करते ही एक यहाँ पे कैप्चा आपको फिल करना पड़ेगा, कैप्चा के साथ। उसके बाद जैसे ही आप कैप्चा पे ओके करोगे, उसके बाद अब ये सर्च कर रहा है कि उस जो यूजर नेम है उसमें कुछ जो स्टेटस लगाया है, जो कि स्टोरी लगाई थी वो। अब मैंने ये स्टोरी लगाई खाटू श्याम की, अब यहाँ पे शो हो रही है स्टोरी और यहाँ देखोगे सेव टू वीडियोज। ठीक है, सेव एज ए वीडियो। ठीक है, अब ये आपके पास स्टोरी ओपन हो गई। अब यहाँ पे क्या करना, थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद जैसा कि आप देख रहे हो ये डाउनलोड का ऑप्शन आया। ठीक है, डाउनलोड का ऑप्शन आते ही आप इस पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे शो हो गई है फाइल कि आपकी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, आप अपने फाइल गैलरी में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, फोटो पे जाते हैं। ठीक है, डाउनलोड पे जाओ, अब देखना। ठीक, जैसे आप देख रहे हो इसमें गाना भी आ रहा है।
इधर मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि 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 इसमें कॉपीराइट आ जाएगी इशू। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी इंस्टाग्राम की जो स्टोरी है वो आप डाउनलोड कर सकते हो इस वेबसाइट पे जाके। ठीक है, इस तरीके से आप इंस्टाग्राम की कोई भी किसी भी, जैसे मान लो किसी का भी यूजर नाम नेम पता है, वहां से कॉपी कर लो यूजर नेम और उसके स्टोरी डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो अब इजिली आप स्टोरी, जैसे अब ये मेरे को अब जो भी स्टोरी लगाएगा ना यहाँ पे शो हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा फ्रेश अकाउंट है, न्यू अकाउंट है, कल मैंने क्रिएट किया था। आपको आप देख सकते हो हमारे प्रोफाइल में जाके कि एक न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू आईडी इंस्टाग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, वो मैंने सारी चीज़ें बता रखी है, आप इसमें जाके देख सकते हो। तो आप किसी की भी स्टोरी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इंस्टाग्राम पे पूरी रील जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस।